हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। होपफुली आप अपने घर पे सब सेफ होगे और ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक बहुत अच्छे प्रोसेसर के बारे में, जो कि आपको 20,000 के अंडर में मिल जाएगा, जिसका नाम है राइजन 5 3600। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राइजन 5 3600 की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जिसमें आपको मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि कौन सा आपको फ़ैन मिलेगा इसमें, और इसके आर्किटेक्चर कैसा है, और ये कितना पावरफुल प्रोसेसर है। इस वीडियो में मैं आपको लास्ट तक सब कुछ बताऊंगा, और ये एडिटिंग में कैसा परफॉर्म करता है और गेमिंग में भी कैसा परफॉर्मेंस करता है, ये मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए हमारी वीडियो। मेरा नाम है लोकेश, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, कर लेते हैं जल्दी से इस बॉक्स को अनबॉक्स और देखते हैं इसमें कि आपको इसमें क्या क्या मिलता है। तो गाइस, अनबॉक्स करने के बाद इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स मिलेगा, जिसमें कि फैन मिलेगा हमारे। तो और हमें कुछ पेपर वर्क मिलेंगे इसमें, ये कुछ पेपर वर्क मिलेगा, और लास्ट में हमें मिलता है अपना मेन चीज, प्रोसेसर। तो गाइस, ये है जिसके साथ आपको एक स्टिकर भी मिलेगा उसका, राइजन का। देख लीजिए, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। तो गाइस, इस प्रोसेसर में इतनी बहुत ज़्यादा पावरफुल ये प्रोसेसर है, जो कि 7 नैनोमीटर बेस आर्किटेक्चर पे बना है, और 15 से 20 हज़ार रुपये के रेंज के प्रोसेसर में आपको 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस पे कोई और प्रोसेसर नहीं मिलेगा। इसमें हमारे को मिलता है 6 कोर 12 थ्रेड्स और 3.6 की बेस फ्रीक्वेंसी और 4.2 की बूस्ट फ्रीक्वेंसी, जो आप ओवरलॉक करके आप अपना आराम से कर सकते हो उसको। और इस प्रोसेसर को सपोर्ट करने वाले जो सीरीज़ है मदरबोर्ड की, वो है 300 400 और 500 की, कोई से भी मदरबोर्ड आपको इसमें सपोर्ट कर जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं इसके फ़ैन के बारे में। इसका फ़ैन एक नॉर्मल फ़ैन है, जिसमें कि आपको RGB लाइट नहीं मिलती है। और फ़ैन को अनबॉक्स करते टाइम पर एक चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि इसके नीचे ऑलरेडी थर्मल प्लेट लगा हुआ आता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, प्रीमियम क्वालिटी का फ़ैन आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, हो चुका है हमारा ये प्रोसेसर अनबॉक्स। तो चलिए अब इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, और इसके बारे में जानते हैं कि इसकी कैसी परफॉर्मेंस है गेमिंग में भी और एडिटिंग में भी। तो गाइस, कर लेते हैं इसको इंस्टॉल, और ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो पिन है ना, अगर एक भी पिन ये हल्का सा भी ख़राब हुआ तो पूरा प्रोसेसर आपका ख़राब हो जाएगा। और लगाते टाइम पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, ये जो साइड है, इस साइड पे एक मार्क रहता है, जो कि चारों साइड पे नहीं है। इस साइड से इसको मैच करना है। एक मार्क आपको यहाँ प्रोसेसर पे मिलेगा, और एक मार्क आपको आपके मदरबोर्ड पे मिलेगा इस साइड पे, ठीक है। तो इसकी पहले क्लिप मैं खोल लेता हूँ, ये तो जल्दी जल्दी में कर देगा। तो हमारा प्रोसेसर लग चुका है, अब इसके फैन को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो फैन को इंस्टॉल करने के गाइस, एक चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी वीडियो में अपने ये बता चुका हूँ कि जब जो इसके स्क्रू हैं इनको ऊपर से सेट करने के बाद, आपको ये स्क्रू सारे एक साथ आपको इसको टाइट करना पड़ेगा, सबको एक एक करके, मतलब दो राउंड इस वाले स्क्रू पर, और दो राउंड इस पे। वो इसलिए गाइस, क्योंकि अगर आप एक साइड से ही पूरा उसको टाइट कर दोगे, एक ही स्क्रू को आप पूरा टाइट कर दोगे, तो अपोजिट साइड है उसकी, उस पर वो फिट ही नहीं होएगा,
होएगा ही नहीं कभी फिट उस पर। दो दो राउंड करने के बाद फिर उसको आप आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, फिर आप अपने आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा टाइट कर सकते हो। और इसकी जो वायर है ये आपको यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए मिलेगी। मैं यूज़ कर रहा हूँ ASRock का B454 Pro। आपके पास जो भी मदरबोर्ड होगा आप उसको इजीली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ आपको एक पिन मिल जाएगा इस साइड पे। तो गाइस हमारा ये प्रोसेसर अब लग के रेडी हो चुका है। और आपको ऐसी वीडियो और टेक्निकल ऐसी वीडियो आपको चाहिए हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। सब्सक्राइब ज़रूर करो यार इस चैनल को, हमारे सब्सक्राइब करते हो और आप कमेंट में हमारे से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछते हो तो बहुत अच्छा लगता है यार वीडियो बनाने में भी। तो गाइस प्लीज़ बस यही है कि शेयर करो, सपोर्ट करो और लाइक करो।